से नहा कर लाई मैं तो लाई बहार के अफसाने भी वहां से फूलों से सच समर कर ना ना मुझे छूना ना दूर ही रहना परी हूँ मैं अपनों का प्यार और आशीर्वाद पाकर आज तो राजकुमारी सी लग रही है दिगांगना सूर्यवंशी यानी आपकी प्यारी वीरा। मौका है दिगांगना के जन्मदिन का और हमेशा की तरह उसके मम्मी पापा ने उसके लिए बना दिया है ये दिन यादगार। वैसे आपको बता दें इस बार दिगांगना अपने जन्मदिन का जश्न मुंबई में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सागर में मना रही है। आखिर क्यों? उनसे ही जान लीजिए। बहुत बड़ा कारण है एंड वो है मेरी बड़ी सी फैमिली, मेरी सारी दादी, सारे दादाजी, चाचा, मामा, मामा पापा, हमारी बहुत ह्यूज एक्सटेंडेड फैमिली है, बुआ और सारे लोग। सो कुछ भोपाल रहते हैं, कुछ सागर में रहते हैं, सो सबको मुंबई लेकर आना एंड वो कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट होता एंड इतने साल हो गए हमने कोई मेरा कोई भी फंक्शन यहाँ पर इस तरीके से पूरी फैमिली के साथ नहीं हुआ है, तो मैं वो फैमिली वाइब बहुत मिस कर रही थी। आई वाज लाइक नहीं, इस बार तो फैमिली के साथ ही मनाना है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। और जरा देखिए हर साल की तरह कितने खास तरीके से मनाया जा रहा है दिगांगना का जन्मदिन। और इसकी शुरुआत होती है दूध और दही के साथ दिगांगना का अभिषेक करके। देख के कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। इसके बाद दिगांगना को फूलों के गहनों से सजाया जाता है और फिर उनके सिर पर सजता है सोने का ये खास मुकुट, जिसे पहनकर दिगांगना बन जाती है अपने मम्मी पापा की प्यारी सी राजकुमारी। कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। अभिषेक ये एक्चुअली मामा करती आई हैं, तो ये क्रेडिट इनका है। मेरे फर्स्ट बर्थडे से लेके अभी तक हर साल ये अभिषेक होता है। मैं दिगांगना को एक राजकुमारी की तरह रखना चाहती थी, शायद इसलिए शायद दिगांगना के सारे फैंस उसको प्रिंसेस कहते हैं, और अब पूरी ज़िंदगी तो शायद मैं उसको प्रिंसेस की तरह नहीं रख पाती, इसलिए मैंने स्पेशल एक दिन चुना कि मैं उसको उसके बर्थडे के दिन बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखूंगी। दिगांगना अपने पूरे परिवार की लाडली बिटिया रानी है और उनके जन्मदिन के मौके पर उनके सभी घर वालों ने उन पर बरसाया ढेर सारा लाड़ और दुलार। वैसे अपनों के बीच जन्मदिन का ये जश्न बनाकर दिगांगना भी खुशी से फूली नहीं समा रही। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। बहुत अच्छा, ये बेस्ट बर्थडे था एक्चुअली, मुझे बहुत मजा आया। जितना प्यार दिगांगना अपनी फैमिली से करती है उतना ही लगाव उन्हें अपने फैन से भी है, और इसीलिए अपने जन्मदिन के मौके पर सास बहू और बेटियां के साथ उन्होंने अपने फैंस को किया याद। फैंस, आप लोग मेरे दिल का ऐसे बहुत अटूट सा हिस्सा है एंड उसका रीजन सिर्फ ये है कि बहुत ही कहते हैं ना कि बिना मतलब का प्यार शायद हम कभी मिले भी ना हो, आपने मुझे सिर्फ स्क्रीन पर देखा है लेकिन फिर भी इतना सारा प्यार और इतनी सारी विशेज हमेशा, जिसके लिए मैं इनफ थैंक यू नहीं कह सकती। उम्मीद करते हैं कि दिगांगना के फैंस यूं ही उन पर प्यार बरसाते रहे और जल्द ही वो नजर आए किसी नए सीरियल में किसी नए किरदार को निभाती हुई। सास बहू और बेटियां की तरफ से भी दिगांगना को हैप्पी बर्थडे। सागर से हिमांशु शिव पुरोहित के साथ आज तक ब्यूरो।